तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले इंडिया वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच में होने वाले आज के दूसरे T20 मैच के बारे में एक एक प्ले का पूरा पूरा एनालिसिस बताऊंगा। दो से तीन रिस्की प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस मैच में जीएल यानी कि ग्रैंड लीग विन कराने में मदद कर पाएंगे। लाखों लोगों के बीच आप कैसे अच्छी रैंकिंग पे ला सकते हो, स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो, इस मैच का आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, कौन सी टीम मैच जीत सकती है, सभी चीजों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। बस अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हो, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा देख सकते हो अभी तक लाइनअप नहीं आया, प्लेइंग 11 क्या है इस बारे में अभी मालूम नहीं है। जैसे ही प्लेइंग 11 आएगा उसके बाद आखिरी के 5 मिनट में जो भी हमारी खुद की फाइनल टीम होगी ना, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में भेज दूंगा यानी कि शेयर कर दूंगा। तो फिर आपको बस एक ही चीज़ करना है, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना पड़ेगा, जहाँ पर ज्वाइन होना आपके एकदम फ्री है, फ्री की चीज़ को मिस मत करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सबसे ऊपर पिन किया हुआ देखने को मिल जाएगा, जहां से आप अभी कभी फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मैच के पिच रिपोर्ट के बारे में। जो मैच होने वाला है ना, ये आपको इंडिया में ही देखने को मिलने वाला है, इंडिया के नई दिल्ली के स्टेडियम, नई दिल्ली डॉक्टर पाटिल स्टेडियम के ऊपर। यहां पे आपको आखिरी के 5 मैचेस में हाई स्कोरिंग गेम ही देखने को मिला हुआ है, यानी कि रन यहां पे आसानी के साथ बन रहे हैं। और आखिरी मैच आपने देखा ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बुरी तरीके से इंडिया की टीम को हराया, और एक बार फिर से मैं आपको कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के जीतने के 90% करीब चांसेस रहने वाले, सिर्फ 5% या फिर 10% करीब चांसेस ही आपको इंडिया की टीम के जीतने के मिलने वाले। जब इंडिया के बल्लेबाज आपको रन बना करके दे तो दे, लेकिन इंडिया के बॉलर्स अच्छा परफॉर्मेंस करना जरूरी है। अगर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को फ्लॉप किया गया तभी आप जाकर के देख सकते हो कि इंडिया की टीम जीत सकती है, बाकी मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतने वाली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की इस समय ड्रीम टीम जैसी नजर आ रही है, यानी कि बल्लेबाजों या बॉलरों सभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप बल्लेबाजी ऑप्शन देखोगे, ए हिली हो गए, बी मुनी हो गया, ये दोनों का रिकॉर्ड जो है ना इंडिया के खिलाफ बहुत ज्यादा हाई लेवल का। बी मुनी बल्लेबाजी से 41 का एवरेज है इसका इंडिया के खिलाफ, और ए हिली जो कि इस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम कोर्ट से कैपेसिटी भी कर रही है, बल्लेबाजी में भी ओपनिंग कर रही है, और ऐसा विकेट कीपर खेल रही है, और एक ऐसी प्लेयर है ना जो कि आपको मान लो कि इंडिया की टीम के 10 विकेट गिरे, है ना, ये हो सकता है। और अगर 10 विकेट गिरेगा तो विकेट कीपरों को 2 से 4 के बीच कैच आसानी के साथ मिलेगा, यानी कि आपको 20 से लेकर 30 के बीच पॉइंट्स, तो ये आपको ऐसा विकेट कीपर कैचेस पकड़ के दे देगी, प्लस आपको थोड़े भी रन पर आकर के दे दी ना तो बहुत ज़्यादा शानदार ऑप्शन रहेगी। उसके बाद देखो स्मृति मंदाना हो गया, हरमनप्रीत कौर हो गए, यहाँ से दीप्ति शर्मा हो गए, उसके बाद यहाँ से एक गार्डनर। अगर आप ध्यान से देखो ऑस्ट्रेलिया के पास कितने बॉलर्स है, एम इसकुच पहली बॉलर, जे जोनासन दूसरी बॉलर, एम इसकुच 2 ओवर शुरू के उसमें बॉलिंग करेगी और 2 ओवर आखिरी के उसमें बॉलिंग करेगी, आखिरी मैच में सिर्फ 3 ही ओवर बॉलिंग किया हुआ है। जे जोनासन आखिरी के ओवर्स में ज्यादातर आपको बॉलिंग करते हुए नजर आएगी, 1 ओवर शुरू के ओवर्स में बॉलिंग करेगी, 2 ओवर बीच के ओवर्स में बॉलिंग करेगी और 1 ओवर आखिरी के ओवर्स में बॉलिंग करेगी, और आखिरी मैच इसने भी 3 ही ओवर बॉलिंग किया है। और एलिना किंग जो कि एक स्पिनर बॉलर है, आपको 3 ओवर से 4 ओवर के बीच में बॉलिंग करके देगी, 1 बॉलर हो गई, 2 बॉलर हो गई, 3 बॉलर हो गए। उसके बाद देखो यहाँ से एक गार्डनर जो कि आखिरी मैच 3 ओवर बॉलिंग पूरा करके आई हुई है, ए सुदरलैंड जो कि आपको 3 ओवर बॉलिंग पूरा करके आई हुई है, के गार्थ जो कि 3 ओवर बॉलिंग पूरा करके आई हुई है, टी मैग्रेथ ने आखिरी मैच 1 ओवर भी बॉलिंग नहीं किया, बाकी ये भी बॉलिंग कर सकती है। हाल ही में जो WBBL के मैचेस हुए ना, वुमेन्स बिग बैश लीग, वहाँ पे काफ़ी अच्छी बॉलिंग करके आ रही है। उसके बाद बल्लेबाजी ऑप्शन आप देखोगे, ई पैरी, इसने भी आखिरी मैच 2 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट लिया हुआ है, यानी कि इनके पास 1 बॉलर हो गए। उसके बाद यहाँ से आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम, यहाँ से हो गए एक गार्डनर हो गई, ए सुदरलैंड हो गई, के गार्थ हो गई, 4 बॉलर हो गई, उसके बाद यहाँ से हम इसको 5 हो गई, 6 हो गई, 7 पूरे बॉलर्स जो कि बॉलिंग आसानी के साथ कर सकते हैं, जो कि WBBL में 3-3, 4-4 ओवर बॉलिंग पूरा करके आ रहे हैं। टी मैग्रेथ भी WBBL में 2-2, 3-3 ओवर बॉलिंग करके आ रही है, यानी कि 8 बॉलर्स इनके तरफ से खेल रहे हैं। यही रीजन है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन बॉलिंग ज़्यादा करेगा और कौन कितने विकेट लेकर के जाएगा, ये चीज़ को प्रेडिक्शन करना नामुमकिन है, ये चीज़ को फोकस करके चलना, जरूरी प्लेयर्स को लेकर के चलेंगे। जैसे कि देखो इंडिया की टीम ने पिछले मैच रन तो सही बनाए, 172 रन लगे, उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम के सिर्फ 1 ही विकेट गिरे और ऑस्ट्रेलिया ने उसको चेस कर लिया, यानी कि इंडिया के बॉलर्स के सामने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर बल्लेबाजी करते हुए ए हीली हो गई, बी मुनी हो गई जो कि ओपनिंग करेगी, और फिर तीसरे पे आएगी आपको यहां से देखने को मिलेगी टी मैग्रेथ हो गई, ये 3, और उसके बाद एक गार्डनर हो गई, ये चार ही वो प्लेयर्स रहेंगे जो कि इसकी टीम को, ऑस्ट्रेलिया की टीम को आसानी के साथ मैच जिता करके ले जाएंगे। यही 4 के अलावा मुझे नहीं लगता कि 5वें नंबर के बल्लेबाज की बल्लेबाजी आना है, यानी कि अब आप जिसको भी लोगे ना, अब आप जिसको भी इन 4ों के अलावा लोगे ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से, उनको ऐसा बॉलर अपनी टीम में लेकर के चलना है, ऐसा बॉलर कि वो बॉलिंग से आपको पॉइंट्स दिला करके जाएंगे, जिसमें मैं लेकर के चलूंगा जिसका नाम आपको ऐसा है मिसकुस और जे जोनासन देखने को मिलेगा। एलिना किंग को 2 रीजन की वजह से नहीं लिया है, पहला रीजन कि जो इंडिया के बल्लेबाज
बल्लेबाज है ना, जो भारत के बल्लेबाज स्मृति मंदाना हो गए, हरमनप्रीत कौर हो गए, सब सारे के सारे स्पिनर पे बहुत शानदार खेलते हैं, स्पिनर पे बहुत अच्छा खेलते हैं। आखिरी की जो इसने 3 मैचेस इंडिया के खिलाफ खेला हुआ ना एलेना किंग ने, वहाँ भी इसको सिर्फ एक ही विकेट मिला हुआ है। बच्चों दोनों मैचेस में ये फ्लॉप गई है, एक भी विकेट नहीं मिला, और पहले मैच में भी वही हुआ, इसको एक भी विकेट नहीं मिला, तो मैं इसको लेकर के नहीं चल रहा हूँ। अब आपको सोचना है कि रेणुका ठाकुर को लेकर के चलोगे या फिर राधा यादव को। अगर राधा यादव के आखिरी के एक साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो मैक्सिमम इसका एवरेज आपको देखने को मिलेगा, मान लो कि 10 मैच खेला है तो आप इसको 3 ही या फिर 4 ही विकेट मिले हुए हैं। अगर किसी अच्छी टीम के खिलाफ मैच है, यानी कि आखिरी के एक साल में बहुत ज्यादा फ्लॉप जा रही है, तो मैं रेणुका सिंह को लेकर के चलूंगा। अगर अगर बॉल थोड़ा भी स्विंग हुई, बॉल थोड़ा भी मूव होगी, तो इजीली इसको विकेट मिल सकते हैं। ये चीज को फोकस करके चलना है। ये जो मैं आपको एक टीम बनाकर दिखा रहा हूं ना, ये एक इनिशियल टीम है जो कि टॉस होने से पहले की टीम है। टॉस होने का लाइनअप आने के बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। उसके बाद जो भी हमारी खुद की फाइनल टीम होगी, जिस टीम से मैं खुद इस मैच के अंदर पैसे लगाऊंगा, वो इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए आखिरी के 5 मिनट में अपने टेलीग्राम सर को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जिस टीम से मैं खुद पैसे लगाऊंगा। करना आपको कुछ भी नहीं, आप जिस भी वीडियो को देख रहे हो उसके टाइटल को आप क्लिक करोगे या फिर टच करोगे तो सीधे सीधे आप डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे। सबसे ऊपर आपको हमारे टेलीग्राम सर का लिंक देखने को मिल जाएगा, इस लिंक को क्लिक करके आप अभी कभी हमारे टेलीग्राम सर को फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना, सबसे पहला जो आपको कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा उसमें आपको हमारे टेलीग्राम सर का लिंक देखने को मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। क्योंकि आगे आने वाले मैचेस जिसकी मान लो मैं वीडियोस नहीं भी बना पाऊंगा, उसकी भी टीम यहाँ पे आपको दे दूंगा। उसके अलावा मान लो कि फ्री गिवअवे वगैरह का कोई भी नोटिफिकेशन होगा, तो वो जो भी होगा ना वो आपको हमारे टेलीग्राम सर को ही अपडेट देखने को मिलेगा, तो ज्वाइन करना बिल्कुल ही मत भूलना। टेलीग्राम सर को ज्वाइन करना आपके एकदम फ्री है, तो फ्री चीज को मिस मत। वहीं अगर बात करें अपने बल्लेबाजी ऑप्शन है, हरमनप्रीत कौर आपको बल्लेबाज में तब ज़्यादा अच्छा करके देगी जब इंडिया की टीम मैच जीतने वाली होगी, जब इंडिया की टीम मैच जीत सकती होगी, यानी कि परफॉर्मेंस अच्छा करके दे सकती है। लेकिन जब इंडिया की टीम मैच में रहे, अगर ऐसा हुआ कि इंडिया की टीम बुरी तरीके से हार रही है, तो वहाँ पर हरमनप्रीत कौर उतनी अच्छी बल्लेबाजी करके नहीं दे पाएगी। स्मृति मंदाना तब आपको एक लंबी पारी खेल करके दे सकते हैं जब इंडिया की टीम चेसिंग कर रही हो, यानी कि इंडिया की टीम एक ही शर्त पर जीत सकती है जब इंडिया की टीम चेसिंग कर रही हो। चेसिंग करते हुए समय इंडिया की टीम के जीतने के 20% करीब चांसेस रहेंगे भी। लेकिन अगर भारत की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, चाहे 200 रन बना दे ना, फिर भी मैं आपको कहूंगा कि हारने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। यही रीजन है कि मैं स्मृति मंदाना अगर चेसिंग कर रही है इंडिया की टीम ना, तो एक अच्छा परफॉर्मेंस करके हमेशा ही दे करके जा सकती है। अब आपको सोचना यह कि आपको ई पैरी को लेकर के चलना है जिसने आखिरी मैच 2 ओवर बॉलिंग किया है, या फिर एलिना किंग को लेकर के चलना है जिसने आखिरी मैच 3 ओवर बॉलिंग किया हुआ है। मैं ई पैरी को लेकर के चलूंगा। अगर अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही होगी ना, पहले बल्लेबाजी कर रही होगी, तो फिर मैं ई पैरी को लूंगा। वही अगर इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम सेकेंड बल्लेबाजी कर रही होगी तो मैं एलिना किंग को लेकर के चलूंगा। क्योंकि अगर सेकेंड बल्लेबाजी कर रही होगी तो ई पैरी की बल्लेबाजी कन्फर्मली है कि नहीं आएगी। लेकिन अगर पहले बल्लेबाजी कर रही होगी ना, तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के ई पैरी बल्लेबाजी के लिए आ जाए और वहाँ पर थोड़े बहुत रन बना करके दे दे, लेकिन दूसरे बल्लेबाजी में बल्लेबाजी आएगी नहीं। तो ये चीज़ मैंने टॉस के ऊपर छोड़ा हुआ है कि मैं 11वां प्लेयर किसको लूँगा। सैफ अली वर्मा अगर बॉलिंग ना करे ना, तो परफॉर्मेंस ना के बराबर करके दे पाएगी। बाकी मैच इंडिया में कभी भी परफॉर्मेंस करके दे सकते, बाकी मुझे लगता नहीं कि 20 से 30 से ज्यादा रन बना करके दे पाएगी। यही रीजन है कि मैं इसके ऊपर रिस्क लेकर के नहीं चलूंगा। बाकी यहां से जे रॉगरिस का भी रिकॉर्ड अच्छा तो है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रांग टीम के खिलाफ उतना अच्छा नहीं। ऋचा घोष ने आखिरी मैच 20 बॉल पर 36 रन की पारी खेल कर दिया, लेकिन यह मैं सोचना कि यह चीज हर मैच में कर पाएगी। प्लेयर अच्छी है, हर बॉल पर छक्के चौके मारने को जाती है, वहां पर अपना विकेट इजिली थ्रो करके जाती है। यही रीजन है कि मैं इसके ऊपर रिस्क लेकर के नहीं चलने वाला। आप यहां से ए किंग और यहां से राधा यादव के ऊपर रिस्क लेकर के चल सकते हो। बात करें अपने केवीसी के बारे में, जो कि एक स्मॉल लीग टीम के लिए बहुत जरूरी है, मैं किसको लूंगा। उससे पहले देखो, ये जो मैं आपको एक टीम बना के दिखा रहा हूं ना, ये एक इनिशियल टीम है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम सर का देखने को मिलेगी, तो ज्वाइन करना मत भूलना। टेलीग्राम सर का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे ऊपर पिन किया हुआ लिंक देखने को मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। वहीं पर मैं अपनी खुद की फाइनल टीम से करूंगा। मैं भी कैप ले करके चले वालों ई पैरी और ए हीली को, ये मैंने तब के लिए किया हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम चेजिंग कर रही हो। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम चेजिंग कर रही होगी, तो ये दोनों प्लेयर्स आपके लिए कैप इसी के लिए अच्छे प्लेयर रहेंगे। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम, वैसे ऑस्ट्रेलिया के पास इतने सारे बॉलर्स हैं ना, कि कौन परफॉर्मेंस करके देगा ये बताना थोड़ा थोड़ा नामुमकिन टाइप का है। तो मैं आपको यही कहूँगा, ये 3 प्लेयर्स, यही 4 प्लेयर्स को अपनी टीम में कैप इसी की चॉइस में लेकर के चलना है। इसके अलावा दीप्ति शर्मा को आप लेकर के चल सकते हो, ये चीज़ को फोकस करके चलना है। और उसके अलावा मैं अपने पूरे पैसे
11 चैलेंजर्स पे लगाने वाला हूँ, तो अभी यहीं पे खेला आपको जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे 11 चैलेंजर्स पे। क्यों? अगर आप मेरे टीम से खेल रहे हो ना, तो यहाँ के यूट्यूबर्स को टारगेट करूंगा जिससे कि हमारी टीम के 11 चैलेंजर्स पे जीतने के चांसेस और भी ज्यादा रहते हैं इसके ऊपर दूसरे फैंटेसी एप्लीकेशन के हिसाब से। उसके अलावा यहाँ पे आप मेरे कहने पर एक बार अपने 1000 रुपये लगा करके देखो, बिना हारी आपके 100 रुपये बचा लोगे सिर्फ और सिर्फ फैंड्री फिजिकल पे। 10000 रुपये लगाओगे तो बिना हारी आपके 1000 रुपये बचा लोगे सिर्फ और सिर्फ फैंड्री फिजिकल पे, तो बहुत पैसे बचेंगे। लो एंट्री फीस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो 11 चैलेंजर्स ऐप को डाउनलोड करो, मेरे साथ खेला शुरू करो। 11 चैलेंजर्स ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।